हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जामुन से बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। तो जामुन मेरे पास थे तो उनको अच्छे से धुल लें। बरसात है तो बाहर के तो पानी से तो नहीं धुलना होता है, घर के पानी से बढ़िया से धुल लें उनको। और कट कर लिया है मैंने इनको अच्छे से। और फिर मेरे पास हरा पुदीना नहीं था तो मैंने सूखा हुआ पुदीना मैंने सुखा के रखा हुआ है और वो डाला है। और 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है क्योंकि इनका टेस्ट थोड़ा सा बिटर जैसा होता है ना, तो इसलिए चीनी डाल दें। और काला नमक डाला है मैंने इसमें और आधा नींबू निचोड़ दें इसमें, जो कि पूरा सब कुछ मिलके बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा। और पानी मिला के इनको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ज़्यादा महीन भी नहीं पीसना है, और ज़्यादा महीन तो पीसेंगे भी नहीं। और मेरे पास बताशे रखे हुए थे पानी पूरी वाले, तो वो पूरी भी मैंने तली है। इनको थोड़ा सा खरा खरा सा तल लें जो कि बहुत ही कुरकुरे कुरकुरे हो जाए। और अब हम पानी की तैयारी करते हैं। और ये जो सारा मिश्रण था मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, मैंने तो पीस वो छानना नहीं है। और थोड़ी सी बूंदी डाल दीजिए, और आपके पास हरा धनिया हो तो हरा धनिया डाल दीजिए। मैंने ये चाट मसाला डाल दिया है इसमें, और हरी मिर्च भी काट के डाली, और बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए। ठंडा ठंडा एकदम बढ़िया सा मस्त पानी तैयार हो जाए आपका तो। और इसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और खीरे के टुकड़े भी डाल सकते हैं, आप मतलब जो भी आपको पसंद हो। ऊपर से जामुन काट के भी डाल सकते हैं, और मैंने अलग से थोड़ा सा जामुन काट के उसमें थोड़ी सी मिर्च और काला नमक मिला के रखा था, जो मैंने पानी बताशे के अंदर डाला। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा पानी तैयार हुआ है, जो कि मतलब बरसात में आपके लिए हेल्दी भी बहुत है। क्योंकि बाहर का पानी पता नहीं कैसा होता है, दुकानदार पता नहीं कैसा रखते हैं, तो ये हमारे घर में बहुत ही बढ़िया हेल्दी तरीके से हमने पानी बताशे तैयार किए हैं। और मेरे पास, मैंने आलू नहीं उबाले थे तो मेरे पास पोहा रखा था, मैंने उसको ही फिल करके, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस उसमें ये जामुन का जो मैंने अलग से वो बनाया था नमक और वो डाल के, आप उसको डाल के सिर्फ पानी से ही गुलाब जाम वो सॉरी जामुन के पानी से ही अगर आप बढ़िया ये बताशे खाएंगे ना, तो आप याद करेंगे बहुत ही बढ़िया पानी। और ये थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।